Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. I'm really sorry I'm not uploading videos frequently on YouTube because there are a lot of things going on in my life and because of them I'm unable to connect with you guys. So I'm really sorry. पर इस सारे अरसे में मैं ऑब्जर्वेशन फेज में तो था आप लोगों की कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जॉब्स का क्या सीनरियो होगा आगे एंड सो ऑन. और इस बीच में मैंने अपनी एक टीम भी और एनहांस कर ली और टीम मेंबर साइड की, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ. पर फिलहाल जो टॉपिक है वो ये है कि SST जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक है क्या, टेस्ट कब होगा और इस टेस्ट के अंदर आएगा क्या, कितना कंपटीशन होगा एंड सो ऑन. बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमागों में हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो के अंदर ये सारे सवाल का जवाब मैं आप लोगों को दे दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, SST इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. आई मस्ट से दिस इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज क्योंकि इन नियर फ्यूचर कोई भी जॉब्स नजर नहीं आ रही. ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी. अगर इलेक्शंस का सर पे नहीं होता तो मुझे नहीं लगता था कि ये भी अनाउंस करते. तो जब इलेक्शन करीब होता है तो बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की जाती हैं. दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी. तो ये वो जॉब्स थी जो कि इलेक्शन को कैश करने के लिए इस्तेमाल की गई थी. मैं आज ब्लंट होकर बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करे. तो ये जॉब्स जो हैं वो इलेक्शन के अनकरीब ये इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ और टू हो जाएंगे, ठीक है. और इनका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा. जैसे म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर का रैपिड इन लोगों ने एकदम से अनाउंसमेंट किया था और वो टेस्ट कंडक्ट हुए थे, रिजल्ट्स भी आ गए. तो दिस इज द सेम केस विद देम कि ये ऐसे ही होंगी ताकि जो वोट बैंक है वो ऊपर आ सके और चीजें बताई जा सकें, जी हमने इतनी पोस्टें दी एंड सो ऑन. दिस इज द थिंग, दिस इज द हार्श रियलिटी. दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो अभी जो स्टूडेंट्स का मोराल है वो डाउन हो गया क्योंकि एक अप एंड डाउन वो शेर आया वाली कहानी हो रही है कि जी कब आएगा शेर. तो मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि विद इन मंथ और टू इंशाल्लाह ताला 90% चांस है. मैं ज्यादा चांसेस बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा आइडिया है मुझे कि 90% चांस है कि विद इन मंथ और टू ये आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे. अब इसकी तैयारी का अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो सिलेबस तो आया ही नहीं है ऑफिशियली. और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो तो चीजें ऑफर भी करने लग गए और चीजें होने लग गई, तो वो तो मेरी समझ से बाहर थी. और जहां तक देखा जाए तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक साइंस कैटेगरी है, एक जनरल कैटेगरी है. साइंस कैटेगरी के अंदर हम बात करते हैं तो साइंस कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज निकलते हैं. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी XYZ बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने साइंस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा है, ठीक है, और साइंस कैटेगरी का तो ऑप्शन वैसे था नहीं, उन्होंने डिग्री की बेस पे बाद में सिलेक्ट करना है कि कौन साइंस में जाएगा कौन जर्नल में जाएगा. तो इट्स रियली अ हैक्टिक प्रोसेस फॉर देम कि ये सॉर्ट आउट करना कि जिसकी डिग्री साइंस में है, BSc है, और जिसकी साइंस कैटेगरी की डिग्रीज हैं वो जो हैं वो स्पेसिफिक साइंस कैटेगरी का एग्जाम देंगे, और जिसका BCom है, BA है, और जिसने इस टाइप की डिग्रीज की हुई हैं आर्ट्स से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, उनका आप जनरल कैटेगरी में लेंगे. तो इट्स क्वाइट अ टफ प्रोसेस फॉर देम. और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या दो पेपर्स बनेंगे और पेपर्स की तादाद कितनी ज्यादा हो जाएगी. तो ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले सोचनी चाहिए थी SPSC को, जो कि अभी नहीं सोची है, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग देखेंगे कि होंगे. और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ हमेशा, और आप लोगों की यही मोहब्बत जो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मेरा दिल बड़ा होता है, वरना मैं क्यों वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के. तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ थी जो मुझे आगे आप लोगों की तरफ से मुझे मिलती है तो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ. तो ये एक जो अलमिया देखा गया है कि जी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो ये अभी तक एम्बिगियस है. SPSC के अपने जो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी मैंने पूछा, कुछ कॉल्स करके पूछा, तो उनको भी कुछ नहीं पता कि इसका होगा क्या आगे. तो इस फिक्र में आप लोग ना पड़े. दूसरा चीज आपने करना क्या है, करना यह है कि जो जिनकी डिग्रीज BSc है वो साइंस कैटेगरीज के सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें. मैं ज्यादा फोकस करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दें, क्योंकि इट्स रियली टफ फॉर देम कि वो दो पेपर्स बनाएं. हो सकता है वो एक ही पेपर बनाएं फिर उसके अंदर सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं है. सिलेबस आएगा तो ही क्लियर होगा. फिलहाल आपने क्या करें कि आप अपनी केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते, ठीक है. और हम लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि मैंने केमिस्ट्री मुझे खुद ऐसा जितनी ज्यादा नहीं आती, मैं पढ़ के पढ़ा सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने BS केमिस्ट्री जो कर रहे हैं
जिनकी स्पेशलाइज्ड डिग्री है उनको मैंने पिक किया, उनसे इंटरव्यूज लिए, उनके 4-5 डेमो क्लासेस खुद अटेंड की एज अ स्टूडेंट, और उनको कहा कि जी आप मेरे पास आएँ और फिर आप उसको पढ़ें। और एक आपको अंदाज़ा है कि आज तक हिस्ट्री के अंदर मेरे अलावा किसी और टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, उसकी वजह ये कि मुझे ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि जी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा ना हो कि उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और लास्ट जो 2 पेजेस गए मैं एडमिट करूंगा कि मैं उनको ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाया, उसकी वजह थी मेरी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब हुई हुई थी, तो इस वजह से मैं नहीं दे पाया। पर जितने भी पुराने बेजेस गए मैंने अपने पूरे दिल से उन लोगों को पढ़ाया। तो ये जो अभी SST का कोर्स है इसके अंदर केमिस्ट्री का हम लोगों ने स्पेसिफिक एक अलग टीचर रखा, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का, इवन कि मैंने मैथमेटिक्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई है, उसके लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, वो एक अलग हम लोगों ने रखा है। दूसरा हम लोगों ने केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए एक टीचर रखा है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के लिए हम लोगों ने अलग आप लोगों के लिए एक टीचर रखा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोगों को डिफरेंट टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये SST का हम लोगों ने कोर्स रखा है जो कि ऑफर कर रहे हैं हम फर्स्ट डेट से, 1st of October, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एनरोलमेंट करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दोबारा सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस की जहां तक बात कर रहा हूं, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाता है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम ऑफर करेंगे वैसे कोर्स के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग हम ऑफर करेंगे, नोट्स भी देंगे। और जो हम लोगों ने एक नया काम कर रहे हैं इसके अंदर, हम 2 दिन या 1 दिन हफ्ते में एक क्लास रखेंगे, लाइव क्लास हर एक सब्जेक्ट की, जो कि स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर सकेंगे और उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, दूसरे रिकॉर्डेड, वो क्लास नहीं जो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे वो अलग कहानी है, हम लोग एक क्लास रखेंगे आप लोगों की जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे उस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो आप लोगों को दी जाएंगी हमारी तरफ से फॉर सब्जेक्ट्स, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री की अगर सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों को पहले मिल जाएंगे डे बाय डे, और फिर इन द एंड ऑफ द वीक या वीक के किसी भी दिन के अंदर हम लोग आपकी लाइव क्लास रखेंगे कि आप उस टीचर से कम्युनिकेट करें और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। दिस इज द सेम केस विद मी कि मैं भी ऐसे ही आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा क्लास के अंदर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को बुक से पढ़ने की आदत है तो ये जो मेरी बुक है SST की, उस अल्टीमेट बुक, ये SST के लिए बड़ी मुफीद है क्योंकि इसके अंदर भी मैंने एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन रखी है आपकी और मेरी, कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज रखी हैं कि आप लोग भी बुक से कनेक्टेड हैं। तो अल्टीमेट बुक नाम से ही जाहिर है, बहुत अच्छी बुक है। खैर ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, आ जाते हैं हम अपने स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि सिलेबस अभी जर्नल और साइंस कैटेगरीज में अपने आप को डिवाइड मत करें, दोनों स्टूडेंट्स इन सारे सब्जेक्ट से तैयारी कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि SPSC की पॉलिसी कुछ एब्रप्ट किस्म की आए तो आप लोगों को मुश्किल से फेस करनी पड़ जाए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी कुछ सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो ये एक चीज मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए। और टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि 1.5 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा। कोई और सवाल हो आपका SPSC से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं। डिग्रीज मैंने बता दी, जिसकी BSc है और BCom जिसकी है वो तो साइंस जनरल कैटेगरीज में जाएगा, BSc जिसने किया हुआ है तो वो आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका साइंस कैटेगरी के अंदर। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी तकरीबन इक्वली है इसकी, तो इसके ऊपर ज्यादा बात करना फजूल है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक आखिरी बात आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों की तैयारी ये नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम कब है और हम लोगों ने कितना पढ़ा। आप लोग बस रोजाना तैयारी कंटिन्यू रखें इस सोच से बालातर कि ये एग्जाम कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरे दोस्त की तैयारी है नहीं है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, पहले थोड़ी बहुत अंग्रेजी को देख लें, फिर आप अपना जो जनरल नॉलेज है उसको देख लें, पाकिस्तान अफेयर्स है उसको देख लें, इन सब्जेक्ट्स को तो ग्रिप करें, उसके बाद आप थोड़ा बहुत फिजिक्स को पढ़ें, केमिस्ट्री को पढ़ें, हर एक बंदा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप तैयारी कंटिन्यू रखें, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा होता जा रहा है। एक और मैं आप लोगों से बात कहूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, काफी अरसे से मैं वीडियोज नहीं बना रहा था, कि हम लोग एक डिजिटल कोर्स भी ऑफर करने वाले हैं, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं खुद उसके ऊपर रिसर्च में हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया मुझे रिसर्च करते हुए कि मैं क्या पढ़ाऊँ और उसके अंदर क्या क्या चीजें हों कि आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकें ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग तरक्की करें, पाकिस्तान तरक्की करें, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट मिले आप लोगों को। बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।